इस इंजन की जो लेंथ है वो सबसे लंबी है। यही बेनिफिट है इसका, कम चक्करों में पूरा टावर रख देना है। जमीन से जो हाइट है इसकी, जो जमीन से हाइट से लगभग सब ट्रैक्टरों से ज़्यादा है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं बलजिंदर सिंह फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम मिलते हैं सतीश कुमार जी से, जो कि मैसी फर्ग्यूजन के डेमोस्ट्रेटर हैं। आज हमें बताएंगे 246 के बारे में। नमस्कार सभी किसान भाइयों को हमारी मैसी ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से। तो के हमारी जो कंपनी है काफ़ी पुरानी कंपनी है, कम से कम 1960 से हमारा यहाँ प्लांट में चल रहा है। तो किसान भाइयों का सुझाव ले लेके समय के हिसाब से चेंज किया है कंपनी ने। हमारी स्मार्ट सीरीज भी है, अब कंपनी ने क्या है कि ये डायना सीरीज निकाली है हमारी, डायना ट्रैक। जो ये डायना ट्रैक है, इस डायना ट्रैक के अंदर कंपनी ने क्या किया है कि 241 डायना ट्रैक, 244 डायना ट्रैक और 246 डायना ट्रैक। इस 246 में क्या है कि हमारा जो ये टू व्हील और फोर व्हील दोनों ऑप्शन है। जैसे आप टू व्हील में अगर ट्रैक्टर लेते हो ये 246 एचपी का, तो जो ये एक्सल है इसका आगे पीछे होता है, आज तक किसी भी कंपनी का नहीं होता जो टू व्हील में है। फोर व्हील वाला नहीं, टू व्हील वाला। तो इसका क्या है कि 4 इंच आप आगे भी कर सको और पीछे भी कर सको। खेती बाड़ी का करोगे तो पीछे कर लो, ट्रॉली का काम करना तो आगे कर लो। तो उसमें ये ऑप्शन दिया है कंपनी ने। जैसे कंपनी फिटेड इसमें बम्पर है और इसमें जैसे पहले बाहर दिया करते अपना कूलेंट है या जो भी पावर शेयरिंग के लिए है, वो सारी चीज़ें अंदर कर दी कंपनी का। जो भी है किसान भाइयों का सुझाव से, 3 सिलेंडर का हमारा ये सिम्पसन का सुपर टावरक इंजन है, जो कि हमारे सभी ट्रैक्टरों में जैसे कि अपने 25 HP से लेके 75 HP तक के ट्रैक्टर हरियाणा में लॉन्च कंपनी ने कर रखे हैं। तो इसका मेन क्या है कि जो भी है हमारा 25-30 HP तक लेके 58 HP तक के सब ट्रैक्टर 3 सिलेंडर में, सब के सब। और इसका बेनिफिट क्या है जो यो सिम्पसन सुपर टॉरक इंजन का, जो इसकी लेंथ है वो सबसे लंबी है। जो इस इंजन की जो लेंथ है वो सबसे लंबी है। यही बेनिफिट है इसका, कम चक्करों में पूरा टावर रख देना, ताकत पूरी देनी, यानी कि 1400 RPM तक लेके 1800 RPM पे हमारा जो इंजन है वो पूरी ताकत बना लेता है। दूसरे 1800 से स्टार्ट होते हैं, 2200 RPM पे जाके ने पूरा टावर, तो यानी कि 400 RPM अगर ज़्यादा इंजन घूमेगा तो डीजल भी ज़्यादा खाएगा, घसघसाव भी ज़्यादा होगा, क्लियर है ये बात है। और इसमें क्या कर दिया किसान भाइयों का सुझाव होते हैं, जैसे वाटर सेपरेटर दोनों डीजल फिल्टर इसी में दे दिए कंपनी ने। इसका क्या है कि 750 घंटे पे ही चेंज करना है, यानी कि लगभग 2 से 3 सर्विस के ऊपर चेंज करना है। और आप इसको देखोगे हमारा जो ट्रैक्टर है, ज़मीन से जो हाइट है इसकी, जो ज़मीन से हाइट से लगभग सब ट्रैक्टरों से ज़्यादा है। और ले लेकर कंपनी मतलब टाइम पे अपना बदलाव करती रहे। तो ये सुपर सटल का हमने क्या फ़ायदा है, ताकि हमारा ट्रैक्टर चल रहा है जैसे पहले के हाई गियर में, तो आप इसको आगे कर दो तो आगे चलेगा, आप इसको पीछे कर दो तो उसी गियर में पीछे, 12 स्पीड आगे की और 12 पीछे की। तो इसका जो प्राइस की बात करोगे आप, तो ये जो फोर व्हील में है ट्रैक्टर ये है मतलब 9,08,80,000 रुपये, और जो आप टू व्हील लेओगे 7,80,000 रुपये, यानी कि 1,00,000 रुपये का डिफरेंस है इसके अंदर। लिफ्ट कैपेसिटी इसमें, हाँ वो बताएंगे, पहले ये देखो ना आप, जैसे क्वाट्रा पीटीओ दी है, यानी कि 4 तरह की पीटीओ इसके अंदर, 4 तरह की पीटीओ दी है। तो उसमें क्या है कि जैसे खड़िया इम्प्लीमेंट में 45 चक्करों से लेके 1,000 चक्करों तक जैसे भी हमने ज़रूरत है उस हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं खड़िया इम्प्लीमेंट में। और साइड गियर है आप देखोगे तो इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल मतलब बड़ा शानदार
बनाया कंपनी ने। रही बात जैसे 32-32 किलो के कंपनी फ्री डिश में भी एट हैं, 32-32 किलो के। रही बात पिछला हिस्सा दिखाऊंगा मैं आपने एक बार, इसमें पिछले हिस्से में क्या किया कंपनी ने, जैसे आप हाइड्रोलिक की बात है, जैसे दूसरे ट्रैक्टर हमारे मैसी है, कई किसान भाइयों की कंप्लेंट थी, कई किसान भाइयों की थी कि आपकी धीरे लिपट उठ रही है धीरे, तो इसका क्या कर दिया कंपनी ने, जैसे ये फास्ट उठा था लिपट, जो ये हाइड्रोलिक है ये कहाँ से रिडक्शन की बात करें? नहीं नहीं, मैं मेन तो क्या था कि हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक में क्या है कि जैसे हमारे जो ट्रैक्टर थे किसान भाइयों की कई बार डिमांड थी कि आपकी जो हाइड्रोलिक जो लिपट उठाना है उठा रहा है तो थोड़ी स्लो है, तो कंपनी ने क्या करा कि इस ट्रैक्टर के अंदर फास्ट कर दी, उसमें 18 लीटर पर मिनट जो तेल को क्रॉस करता था, इसमें 25 का हमने पंप लगा दिया, 25 लीटर का, यानी कि फास्ट है, और जो इसकी लिपट उठाने की वजन उठाने की जो क्षमता है 2050 केजी है, 46 एचपी का जो हमारा ट्रैक्टर है 2050 केजी जो इसकी लिपट वजन उठाने की जो क्षमता है। इसका क्या कर दिया कंपनी ने, जैसे दूसरे ट्रैक्टर हमारे ही हैं उनसे ये कम से कम 4-5 इंच से और ज़्यादा उठता है, और आप अगर पिछले हिस्से की बात करोगे तो कंपनी फिटेड 12 जगह आप इसको इसको जैसे हमने ट्रॉली में चलाना है तो आप इस इसको यहाँ लगाओगे तो इसी नीचे भी हो जाएगा और पीछे भी हो जाएगा, नीचे और पीछे दोनों चीज़ें हैं। जैसे किसान भाइयों की डिमांड थी कि मैसी ट्रैक्टर की थोड़ी पीटीओ साफ है वो बिल्कुल नीची है, यानी कि क्रॉस के उसमें इसमें क्या कर दी कि हाइट औरों से मतलब ज़्यादा कर दी, इसमें इसमें 540 चक्कर है, 6 जीरी में है, और आप कई बार क्या था जैसे ये डिमांड थी किसान भाइयों की कि इसके अंदर जो है स्टेपलाइजर है, स्टेपलाइजर में क्या था अपना चूड़ी वाला आता था, बेल अभी आती थी, हाँ बेल आती है अभी भी, अच्छा। अभी भी आती है, ये डायना ट्रैक के लिए है बस, ओनली ओनली डायना ट्रैक के लिए ये यहाँ से चेंज कर दिया कंपनी ने। इसमें जैसे ओयल डिक्स ब्रेक है, ये प्लेंट्री के साथ है, और जो हाइड्रोलिक तो मैसी की देखो दूसरी कंपनी वाला कोई बोल लगा तो अब तो नुकर है, हमारा ट्रैक्टर भी मैसी की तरह मतलब लिपट काम लागी करण, तो मैसी की जो लिपट का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं कहूँगा कि सभी किसान भाई जैसे इसमें ये दिया है कंपनी ने, आप ये देखो पहले ये डीसी और पीसी लीवर है हमारा, डीसी और पीसी लीवर क्या ताकि ड्राइवर को झुकना नहीं पड़े नीचे, नीचे की तरफ आराम से, बड़ा आरामदायक है, इसमें स्लो रिस्पांस है और लिफ्ट है, हाँ हाँ लिफ्ट 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 ठीक है, इसमें डीसी और पीसी लीवर है, और इसका जो हैंड ब्रेक है ये यहाँ दिया है कंपनी 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स, हाँ शटल की वजह से जो स्पीड हमारी जैसे 37 किलोमीटर पर घंटे की है तो इसकी रिवर्स की भी 37 किलोमीटर है, ठीक है जी। तो इसमें मतलब कंपनी ने जो भी किसान भाइयों ने सुझाव दिया समय समय पर कंपनी ने हर चीज़ चेंज कर 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 करके ज़मीन से नीचा है तो ज़मीन से ऊंचा बना दिया कंपनी ने, ठीक है। तो इसमें 2 व्हील और 4 व्हील हमारा जो डायना ट्रैक है 246 एचपी का ये ट्रैक्टर है, और इसमें 2 व्हील और 4 व्हील दोनों अवेलेबल, दोनों जिस भी किसान भाई ने जिस भी ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से है, हमारी जो है डायना सीरीज आई है इसमें और भी बहुत सारे मॉडल हैं, ताकि अगले वीडियो में हो सकता है हम फिर वो बताऊँ सभी किसान भाइयों को। तो सभी किसान भाइयों को मैसी ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।